एक दिन बन ठन के दुल्हनिया गवने जाना हुई है ना। ओ जा दिन जा बैराम नगरिया लेखा देना हुई है ना। ओ जा दिन भेजी है पिया परवाना तो फिर ना आना हुई है ना। मलूकदास जी कहते हैं वैतरणी एक नदी बहत है धारा अपरंपार। वैतरणी नाम की नदी अपरंपार धारा। हम सोचेंगे सारी नदी तो नाम से तो पार हो ही जाती, ये नदी भी नाम से पार कर लेंगे, पर मलूकदास जी ने कहा ई नदिया में नाव न बेड़ा उतरब कठिन अपार। ना नाव है ना बेड़ा है, इसको पार कैसे कर सकते हैं? इसका उत्तर मिला है मानस में। श्री रामचरित मानस में गोस्वामी जी कहते हैं यदि भव सागर से पार जाना है नाव बनी बनाई मिलेगी नहीं, बनानी पड़ेगी। भव सागर चह पार जो पावा राम कथा ता कह दृढ़ है जो हम और आप सुन रहे हैं, और यही कथा जो भोले बाबा सुनने गए हैं। मैया कथा नहीं सुन रही है। जब मैया का आना हुआ कुंभज ऋषि के आश्रम में, गोस्वामी जी ने साफ शब्दों में लिखा कि संग सती जग जननी भवानी, साथ में जगत जननी मैया सती भी गई है भोले बाबा के साथ कथा सुनने के लिए। गई तो है पर कथा सुनी नहीं। गोस्वामी जी महाराज ने जब माँ आई तो नाम का वर्णन किया कि मैया भी आई है, पर जब कथा नहीं सुनी तो मेरे गोस्वामी जी महाराज ने सुनने वाले श्रोताओं की लिस्ट में से मैया का नाम हटा दिया और क्या लिखा, कथा सुनी किसने? कुंभज ऋषि ने गाई पर कथा सुना कौन? सुनी महेश परम सुख माने। सिर्फ भोले बाबा ने कथा सुनी तो भोले बाबा का नाम लिखा, मैया ने तो कथा सुनी ही नहीं। भरद्वाज जी महाराज से पूछा दक्षिणा क्या दो, कुंभज ऋषि से पूछा दक्षिणा क्या दो। संत हैं, भक्त भगवान से भी कभी मांगते नहीं है। ये मांगने वाली जो लिस्ट होती है ये हमारे आपके पास होती है। हम ठाकुर जी के पास जाते ही तब ही है जब कुछ मांगना होता है, उसके पहले नहीं जाते। गए इसका मतलब कि कुछ ना कुछ जरूरी काम या आफत आ पड़ी है, सो पहुंचे भगवान के पास। यहाँ पर कुंभज ऋषि ने कुछ मांगा नहीं, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, मुझे जरा भक्ति के विषय में कुछ बताइए, और भोले बाबा ने वरदान दिया, ठाकुर जी की भक्ति प्रदान की। भोले बाबा वहां से आगे बढ़े, मन में एक बस जिज्ञासा एक लालसा चल रही है, कथा सुन के मेरे कान तो तृप्त हो गए हैं पर अभी मेरे नेत्र तरस रहे हैं। जिनकी कथा सुनी है ये दंडकारण्य का क्षेत्र है, यही कहीं मेरे ठाकुर जी लीला कर रहे होंगे, तो जिनकी कथा सुनी है यदि एक बार उनके दर्शन भी मिल जाते तो बड़ी कृपा हो जाती। यही विचार यही मनोरथ किए भोले बाबा चले जा रहे हैं, और क्या दिखाई दिया, नीचे ठाकुर जी की लीला हो रही है। कौन सी लीला? मैया का रावण हरण करके ले गया है और मेरे ठाकुर जी माँ की तलाश में, माँ की खोज कर रहे हैं। पशु पक्षियों से, मृग से, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, कड़कड़ से पेड़ पौधों से पता पूछ रहे हैं। भोले बाबा ने जब वो दृश्य देखा मन में एक बार विचार आया थोड़ा पास जाके प्रणाम कर लूं क्या,
फिर मन ने कहा नहीं 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 नहीं, मेरे ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, यदि पास चला गया तो लीला में बाधा हो जाएगी। सो दूर से ही प्रणाम किया, लेकिन मुख से भाव ही भाव में कुछ शब्द निकले। चले जात शिव सती समेता, चले जात शिव सती समेता, पुन पुन पुल कत कृपा निकेता, पुन पुन पुल कत कृपा निकेता, जय आनंद जग पावन। भगवान भोलेनाथ ने जब ठाकुर जी को देखा, दूर से ही हाथ जोड़कर कहा, हे सच्चिदानंद, हे जगत पालक, आपकी जय, प्रणाम किया। मैया सती साथ में ही है, मैया सती ने भी नीचे देखा कि कौन है सच्चिदानंद और जगत पालक, जरा हम भी तो देखें। जब मैया देख रही तो मैया को क्या दिखाई दे रहा है, ये तो कोई राजा के बेटे हैं और इनके हाव भाव प्रक्रिया को देखकर लग रहा है शायद इनका कुछ खो गया है, सो ये उसे ढूंढने में लगे हुए हैं। लेकिन सच्चिदानंद और जगत पालक कहकर इन साधारण राजकुमारों को मेरे भोले बाबा ने संबोधित किया, बात कुछ समझ नहीं आई। यदि जीवन में कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो इसका दो समाधान है, या तो आप किसी से पूछिए जिसको समझ आ चुका है, और या तो फिर स्वयं से जाकर समझने का प्रयास करिए, और यदि स्वयं के प्रयास से समझ नहीं आ रहा है तो फिर उसकी शरण लीजिए जो उस विषय में जानता है, तभी आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। मैया सती ठाकुर जी को पहचान नहीं पा रही है, और जो पहचान चुका है यानी कि भोले बाबा, उनसे पूछ नहीं रही है, मन में ही सवाल दबा कर बैठे। भगवान भोलेनाथ ने मैया से कहा, सती आपने पहचाना नहीं, अरे ये वही मेरे सर्वेश्वर, मेरे परमेश्वर, मेरे सर्वस्व, मेरे इष्ट प्रभु श्री राम है। मैया ने कहा, कौन? अरे जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जिनकी कथा का गान कुंभज ऋषि ने किया, ये वही है। अब विचार करके देखिए, यदि मैया ने कथा सुनी होती तब तो पता होता कि किसकी कथा का गान कुंभज ऋषि ने किया है, जब कथा सुनी ही नहीं तो का पता कि कासु कथा कुंभज ऋषि गई। अब यदि आप यहाँ इतने लोग बैठे हैं, अब कथा इधर चल रही है, और आपकी यदि अपनी कोई पर्सनल कथा एक दो लोगों में चल रही होगी तो आपको क्या पता चलेगा कि इधर कौन सी कथा चल रही है। मैया से भोले बाबा ने कहा, अरे ये भगवान है, ये साक्षात परात्पर ब्रह्म है। मैया ने कहा, क्या बात करते हैं प्रभु, आप कहते हैं ये ब्रह्म है, अरे ब्रह्म बढ़ा अपनी पत्नी के खो जाने पर, भार्या के ना मिलने पर ऐसे पेड़ पौधों से पता पूछेगा क्या कि मेरी सीता कहाँ है, मेरी वैदेही कहाँ है। प्रभु मेरी बुद्धि नहीं मानती कि ये भगवान है, और सच कहूं तो बुद्धि कभी भी भगवान को पहचान ही नहीं सकती है। भगवान को पहचानने की क्षमता यदि किसी में है तो वो सिर्फ और सिर्फ भक्ति में है, बुद्धि में ये सामर्थ्य नहीं कि वो भगवान को पहचान सके। ठाकुर जी के हाँ में हाँ मिला ले तब तो देखिए सारी समस्या का समाधान बहुत आसानी से हो जाए, फिर कोई परेशानी नहीं है।